नमस्कार, मैं प्रिया। आज 26 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली का फैसला अब होगा 29 जून को। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सभी पक्षकारों को जारी हुआ नोटिस। त्रिपुरारी शरण अब सितंबर महीने तक रहेंगे सीएस। ताज बना दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर 50 सैंपल भेजे गए भुवनेश्वर। कोरोना अब बहरूपिया हो गया है। इतना ही नहीं, रूप बदलने के साथ साथ कोरोना और ज्यादा खतरनाक भी होता जा रहा है। इसी क्रम में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस ने सरकार की परेशानी बढ़ाने का काम शुरू किया है। वहीं कोरोना के इस रूप को लेकर बिहार सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है। यही कारण है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के बिहार में प्रभाव का पता लगाने के लिए बीते दिन 50 सैंपल को भुवनेश्वर के लैब में भेजा गया। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह आश्वस्त किया था कि बिहार में डेल्टा प्लस वेरिएंट के एक भी मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि अब भेजे गए सैंपल के परिणाम आने के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बिहार में दस्तक दी है या नहीं। मछली पकड़ने के लिए बनवाना होगा कार्ड। बिहार के मछुआरों के लिए सरकार ने नई तैयारी की है, जिसके तहत सरकार ने अब मछली पकड़ने के लिए स्पेशल कार्ड बनाने की बात कही है, जिसके तहत ही अब केवल खास लोग ही मछली मार सकेंगे। इतना ही नहीं, अब केवल वैसे ही मछुआरों को मछली मारने की अनुमति मिलेगी जिनके पास पहले से ये कार्ड मौजूद होंगे, जिसकी जानकारी पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने दी है। उनके अनुसार आए दिन सूबे के नदियों और सरकारी जल स्रोतों में मछली पकड़ने के दौरान आपसी विवाद की खबरें सामने आती हैं। इन विवादों के कारण कई हिंसक झड़पों के मामले भी सामने आते रहे हैं। इसमें जान गंवाने के मामले भी सामने आए हैं और माहौल भी खराब होता है। इसलिए सरकार अब ये पहल करने जा रही है। एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली का फैसला अब होगा 29 जून को। एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के भविष्य पर एक बार फिर से पेंच फंस गया है। रिजल्ट में लगातार धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो महिला अभ्यर्थी भी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रही हैं। दरअसल महिला अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा से पहले बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा था कि टीईटी एसटीईटी के सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को 45% अंक लाने पर क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को 50% पर क्वालिफाई किया गया है। इससे हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई हैं। इसको लेकर सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके बाद अब 29 जून को कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल जाएगी और उसके आधार पर सभी न्यूनतम अंक से अधिक अंक पाने वालों को बहाली का मौका दिया जाएगा। अब 29 जून तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा कि आखिर मेरिट लिस्ट से बाहर हुए कितने अभ्यर्थियों को लिस्ट में दोबारा शामिल किया जाता है। बिहार में बढ़ेगा पर्यटन और रोजगार। बिहार में अब पर्यटकों की आवाजाही और ज्यादा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, बिहार में रोजगार के दरवाजे भी अब खुलने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार को औद्योगिक कॉरिडोर में शामिल करने पर विचार विमर्श शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने देश में औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित कर उसके अनुसार सड़क बनाकर बिहार को भी उससे जोड़ने की योजना बनाई है, जिसके तहत योजना के अनुसार अमृतसर से कोलकाता तक जाने वाली औद्योगिक कॉरिडोर बिहार के रास्ते ही गुजरने वाली है, जिसको गया जिले के डोभी के निकट गम्हरिया से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को प्रस्ताव दिया है, साथ ही केंद्र से आर्थिक मदद की मांग करने की भी बात कही है। इस बाबत नितिन नवीन ने कहा है कि इस कॉरिडोर के बन जाने से राज्य में औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार के कई जिलों के कृषि पदाधिकारियों का हुआ तबादला। बीते दिन कृषि विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। आपको बता दें, कई जिलों के कृषि पदाधिकारी और डिपार्टमेंट में अन्य अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत कृषि विभाग में कुल 73 अफसरों का तबादला किया गया है। सरकार ने 13 जिलों में नए कृषि पदाधिकारी को तैनात किया है। विभाग की तरफ से बताया गया है कि संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों को जिला और प्रमंडल के तहत तैनात किया गया है। इसके साथ ही 2 जुलाई तक नई जिम्मेदारी संभालने की भी बात कही गई है। इसकी पूरी सूची विभाग की तरफ से जारी कर दी गई। पटना मेट्रो के लिए चाहिए जमीन। पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। इन दोनों में काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सरकारी भूमि के हस्तांतरण बिना कार्य में गति नहीं आ रही है। मेट्रो के अलाइनमेंट में कुछ भूमि को चिन्हित किया गया है। हालांकि जानकारों की माने तो यह भूमि एवं राजस्व विभाग के अधीन है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मेट्रो ने जिन जगहों पर जमीन की मांग की है, उसमें राजभवन, दानापुर छावनी, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर के पास, आकाशवाणी, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, LIC भवन, विद्युत बोर्ड परिसर, गार्डिनर रोड अस्पताल, PMCA साइंस कॉलेज, अंजुमन इस्लामिया राजकीय मदरसा इस्लामिया, समशूल होदा परिसर और भारतीय नृत्य कला मंदिर परिसर प्रमुख है।
बिहार के इन 11 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बिहार में मॉनसून फिलहाल सक्रिय है, हालांकि बिहार के कई जिलों में बारिश से राहत तो मिली है, वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां अभी भी बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अब बिहार के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के जिलों में 26 जून को वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 28 जून को उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए ठनका और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए 26 जून को ठनका और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उन जिलों को खास सावधान रहने की सलाह दी गई है। उसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और खगड़िया का नाम शामिल है। इसके साथ ही सीमांचल के इलाके में इन दो दिनों में एक से दो जगह पर बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजकमल झा की। राजकमल झा का जन्म भागलपुर बिहार में हुआ था और वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में पले बढ़े, जहां वो सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर में भाग लिया, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद वो प्रिंट पत्रकारिता में मास्टर कार्यक्रम करने के लिए दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के स्नातक स्कूल गए। उन्होंने 1990 में एमए प्राप्त किया। 1990 से झा न्यूज रूम में पूर्णकालिक रूप से काम कर रहे हैं। वो 1992 और 1994 के बीच कोलकाता में स्टेट्समैन में एक सहायक संपादक थे। इसके साथ ही इंडिया टुडे, नई दिल्ली में एक वरिष्ठ सहयोगी संपादक थे और 1996 से द इंडियन एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सभी पक्षकारों को जारी हुआ नोटिस। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित फिल्मों पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत ही बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। वहीं फिल्म निर्माता और निर्देशक के वकील डॉ एपी सिंह ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इस फैसले को हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी थी। कोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत के पिता की अपील पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। डीजीपी ने 8 एडीजी के बीच किया बंटवारा। बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस महकमे में सामंजस्य को लेकर बिहार डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने 8 एडीजी के बीच काम का बंटवारा नए सिरे से किया है, जिसके तहत एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार को कार्मिक एवं कल्याण संस्थापना जन शिकायत निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जिन एडीजी के बीच विभागों का बंटवारा किया गया है, उसमें अनिल किशोर यादव, एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार, एडीजी बजट पारस नाथ, एडीजी अभियान सुशील खोपड़े, एडीजी एटीएस रविन्द्र शंकरन का नाम शामिल है। त्रिपुरारी शरण अब सितंबर महीने तक रहेंगे सीएस। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को एक्सटेंशन मिल गया है, जिसके बाद अब वो सितंबर महीने तक सीएस के पद पर बने रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, त्रिपुरारी शरण के एक्सटेंशन को लेकर हाल ही में बिहार सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और 3 महीने तक कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा था। इससे पहले भी उन्हें 3 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। ज्ञात हो त्रिपुरारी शरण 1985 बैच के आईएएस अफसर है। बिहार सरकार ने 1 मई 2021 को मुख्य सचिव उन्हें बनाया था। अमेरिका के स्ट्रीट वॉल पर लगी अमित डालमिया की तस्वीर बिहारवासियों की गूंज देश से लेकर विदेश तक होती रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से एक और बिहारी ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत बिहार और पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम इस बार फारबिसगंज निवासी अमित डालमिया ने किया है। आपको बता दें, फारबिसगंज के धर्मशाला चौक निवासी रेणु डालमिया और सत्यनारायण डालमिया के पुत्र अमित ब्लैक स्टोन मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और बतौर ऑपरेटिंग पार्टनर कार्यरत हैं। उनके इस कंपनी ने हाल ही में 1800 करोड़ रुपए निवेश कर 17,000 करोड़ रुपए वैल्यू पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं इस उपलब्धि पर अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पर सम्मान में अमित डालमिया की तस्वीर लगाई गई है। बिहार के कई इंजीनियर का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार के कई इंजीनियर का तबादला कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार पथ निर्माण विभाग में तैनात कई इंजीनियरों का तबादला किया गया है, जिसके तहत इन इंजीनियरों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजने का काम किया गया, जिसमें शशि भूषण सहाय, श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव, श्री अजय कुमार आजाद, संजय शर्मा, अरविंद कुमार सिंह, श्री उदय शंकर पांडे, धर्मेंद्र किशोर, मधुरेंद्र कुमार, विजय कुमार, प्रिय रंजन केशव, सुशील कुमार, मृदुला नारायण सिन्हा, राम कुमार यादव, सुधीर कुमार सिंह, योगेंद्र प्रसाद सिंह, पवन कुमार सिंह, शैलेंद्र भारती, अरुण कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह का नाम शामिल है।
इस बार राजद के स्थापना दिवस के मौके पर होंगे पार्टी के मुखिया। राजद अपना स्थापना दिवस 5 जुलाई को मनाने वाली है। हालांकि इस बार राजद का यह स्थापना दिवस बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी पार्टी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वीरचंद पटेल मार्ग स्थित कार्यालय में बैठक बुलाई थी, जहां पर उन्होंने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की, जिसकी तस्वीर तेजस्वी ने खुद ही अपने सोशल मीडिया से साझा की है। वहीं स्थापना दिवस को लेकर आई जानकारी के अनुसार राजद का स्थापना दिवस समारोह वर्चुअल होगा। इसमें तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित अन्य सभी नेता शामिल होंगे। भाजपा में एक मंत्री को मिली छुट्टी तो 3 नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। बीते दिन बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीते दिन नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्री जनक राम को संगठन से छुट्टी दे दी। बीजेपी के एक नेता एक पद के सिद्धांत के आधार पर उनसे महामंत्री का पद वापस ले लिया गया है, जिसके बाद जनक राम की जगह पूर्व विधायक बेबी कुमारी को महामंत्री बनाया गया। वहीं नीतीश कैबिनेट में जनक राम को खान एवं भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही संगठन में नए फेरबदल में प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी को महामंत्री बनाया गया। वहीं प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ शंभू को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि विधायक अनिल राम को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जाली नोट छापने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। बीते दिन सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जाली नोट छापने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में लाखों रुपए जाली नोट लेने के साथ ही इसको तैयार करने वाली मशीन भी बरामद की गई है। साथ ही 6,18,000 जाली नोट, इसे तैयार करने वाले उपकरण और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही थी कि शुक्रवार को सिवान जिले में जाली नोट छापने के कारोबार का भंडाफोड़ हो गया, जिसके बाद पकड़े गए लोगों से अवैध कारोबार के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 207 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,396 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 1, भोजपुर में 1, बक्सर में 1, दरभंगा में 8, ईस्ट चंपारण में 5, गया में 1, गोपालगंज में 9, जमुई में 1, जहानाबाद में 2, बिहार में 8, खगड़िया में 4, किशनगंज में 9, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 5, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 14, नालंदा में 6, नवादा में 5, पटना में 20, पूर्णिया में 22, रोहतास में 2, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 13, सारण में 12, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 4, सुपौल में 5, वैशाली में 11, वेस्ट चंपारण में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,08,698 सैंपल की जांच की गई। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 365 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। ट्विटर ने ब्लॉक किया रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत के केंद्रीय आईटी मंत्री और पाटलिपुत्र सीट से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद को ट्विटर की तरफ से अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिसकी जानकारी खुद रविशंकर प्रसाद ने अकाउंट पर लगाए गए प्रतिबंध के हटने के बाद दी, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आज कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। ट्विटर ने लगभग 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। हालांकि लगभग 1 घंटे के बाद वापस से उनके अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया गया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ट्विटर की इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि वो फ्री स्पीच के अग्रदूत नहीं है, जिसका वे दावा करते हैं। एक तरफ चिराग हुए भावुक तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया हैंडल से हटाई चाचा और भाई की तस्वीर। लोजपा पार्टी वर्तमान समय में 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें एक गुट चिराग का है, वहीं दूसरा गुट पशुपति पारस का। इसी बीच चिराग भी लगातार पशुपति पारस को लेकर बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि जिनकी गोद में मैं खेला उन्होंने ही अपना हाथ खींच लिया है, अब बात करने को भी तैयार नहीं है। इसके साथ ही बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पशुपति पारस और प्रिंस राज की तस्वीर को हटा ली गई है। इसके साथ ही फेसबुक पेज के कवर फोटो पर अब सिर्फ बंगला की तस्वीर लगाई गई है। बंगला लोजपा का चुनाव चिन्ह है। वही ट्विटर हैंडल से प्रिंस और पशुपति पारस की तस्वीर को हटाया गया है। बाढ़ का जायजा लेने राघोपुर पहुंचे तेजस्वी। लंबे अंतराल के बाद बीते दिन तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी की वजह से दियारा में हो रहे कटाव का जायजा लिया। इस दौरान जब तेजस्वी यादव से मीडिया कर्मियों ने इलाके में विकास के कामों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सारा दोष सरकार पर डाल दिया। कहा कि यहां कई जगह कटाव की समस्या है, जब हम डिप्टी सीएम थे तब 900 करोड़ खर्च कर विकास का काम किया गया था, अब सरकार बदल गई है। कच्ची दरगाह से बिंदुपुर के बीच बन रही 6-लेन पुल निर्माण में हो रही देरी पर कहा कि इसे अब तक बन जाना चाहिए था। नीतीश कुमार द्वेष की भावना से काम कर रही है। वहीं इस दौरान कई लोगों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ काला झंडा भी दिखाया।
ताज बना दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड। ताज ब्रांड को दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड माना गया है, जिसकी जानकारी टाटा समूह की हॉस्पिटैलिटी इकाई इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने शुक्रवार को दी है। साझा किए गए रिपोर्ट के अनुसार ताज अन्य उपलब्धियों के अलावा महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद मजबूत खड़े रहने वाले सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में शीर्ष पर रहा। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन मानदंडों के अनुसार ताज, जिसकी ब्रांड वैल्यू 29.6 करोड़ डॉलर की है, वो 100 में से 89.3 के ब्रांड मजबूती सूचकांक और इसके साथ ही AAA ब्रांड मजबूती रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड है। IPL 2021 के लिए इस योजना पर विचार कर रही है BCCI। कोरोना के कारण IPL के आयोजन पर ब्रेक लग गया था। हालांकि कोरोना के मामले में आ रही गिरावट को देखते हुए IPL के पुनः संचालन की तैयारी शुरू हो रही है। इसी क्रम में IPL के आयोजन को लेकर BCCI ने भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है, जिसके तहत IPL 2021 के मैचों के लिए इंग्लैंड से खिलाड़ी सीधे UAE जाएंगे, जहां बबल टू बबल ट्रांसफर होगा। कोविड 19 टेस्ट कराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को IPL के बबल में प्रवेश मिल जाएगा। वहीं भारत या अन्य देशों से IPL खेलने के लिए पहुंचने वाले खिलाड़ियों के लिए अलग नियम लागू होंगे, जिसमें क्वारंटीन की अवधि शामिल है। इसके साथ ही जो खिलाड़ी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, उन्हें 5 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, जबकि जिन खिलाड़ियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें 10 दिन सख्त क्वारंटीन में बिताने होंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। संवाद सिनेमा ने 1927 को अपना जीवन आरंभ आज के दिन से किया था। फिल्म निर्माण का काम आरंभ होने से ही निरंतर इस बात का प्रयास किया गया था कि ऐसी फिल्में बनाई जाए जिसमें संवाद भी हो। एयर इंडिया का पहला बोइंग गौरीशंकर 1982 को मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उत्तराखंड में 2013 को एक बचाव हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 लोगों की जान चली गई थी। प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शास्त्री दुग्वेकर का निधन 1961 में हुआ था। भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन 2004 में हुआ। मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का जन्म 1888 में आज के दिन हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 किया पेश। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जगत के दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार 6 साल के इंतजार के बाद अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगली पीढ़ी का संस्करण विंडोज 11 सभी के सामने पेश कर दिया। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में विंडोज 10 लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि विंडोज 11 इस साल के अंत तक नए कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में उपलब्ध होने लगेगा और विंडोज 10 के उपयोगकर्ता को अपने सिस्टम में इसका अपडेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला संस्करण 1985 में लॉन्च किया गया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,130 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,130 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 99.55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.53 रुपए प्रति लीटर था। पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अखिलेश यादव, रंजीत मेहता, राजीव कुमार, रंजीत कुमार, मनोज सैफी, रवि कुमार, प्रिया सिंह, सरफराज आलम, शशि भूषण, मिंटू सिंह, सतीश चंद्र, सोनी कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, अर्जुन, राकेश कुमार, दुर्योधन बाबा, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।